Hello and you're watching Claptrap. We are back again and today we are going to explore some cost effective bets. Before we start the video, once again we request you to please subscribe to the channel so you get the notification. And now since we are talking about bets, so let's start with the introduction part, then we'll get the factory. Hello. कैसे हैं आप? बस बढ़िया. वेलकम टू क्लैपट्रैप. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हाँ जी. ये हमारा सीजन 2 है, एपिसोड नंबर 2 है आपके साथ में. हाँ जी. और कंपनी का नाम ऑलरेडी नीचे फ्लैश हो रहा है, तो वेलकम फर्नीचर के नाम से है. और इनफैक्ट आपका तो स्टोर का जो लोकेशन है, हाँ जी, अब तो मैं देख रहा हूँ बाहर जगह जगह लिखा हुआ है वेलकम चौक. ये क्या वेलकम है? चौक हो गया है एक्चुअल में. सब हमारा इतना रिनाउंस है कि लोग वेलकम का ही एड्रेस देते हैं कि किसी के पास भी जाना, वेलकम फर्नीचर के पास आकर के हमें कॉल करना. तो अब ये वेलकम चौक हो गया है. ठीक है. पिछली वाली वीडियो में हमने आपके साथ कुछ सोफाज किए थे रिवील, और हमने अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाए थे बेड भी. हाँ जी. How was the response? Quickly बताएं हमें. Response बहुत अच्छा था. व्यूअर्स से काफ़ी कॉल्स आई हैं. और सेल भी काफ़ी अच्छी करी है हमने. अच्छा. काफ़ी सारा जो है ओके मिला है. ओके. तो देवेंद्र की तरफ से मैं उन सभी को आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैव आई आल्सो थैंक्स अच्छा जिन्होंने परचेज किया. yes. और उनसे कहेंगे कि आप टेस्टिमोनी भेजें. हाँ जी. ताकि हम अपनी कम्युनिटी में उस चीज़ को शेयर कर सकें. हाँ जी. पॉजिटिव चीज़ है, ज़्यादा फैलनी चाहिए. हाँ जी. लोग नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी फैलाते हैं. पॉजिटिव चीज़ देर से फैलती है. अच्छा. किसी बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु ने मुझे कहा था कि अग्रेशन बहुत जल्दी फैलता है, लव बहुत स्लो फैलता है. तो हाँ आप लव ज़्यादा फैलाएं और अग्रेशन थोड़ा कम फैलाएं. हाँ जी. ऑलराइट. सो फार वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट व्हेन इट कम्स टू वेलकम फर्नीचर एंड वी आर शूटिंग एज वी सेड एपिसोड नंबर 2. और आपने बताया था हमको कि हम आप मैन्युफैक्चरर हैं. हाँ जी. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेडर होते हैं. हाँ जी. दिस नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ ट्रेडर एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट आर यू सेलिंग एंड वेयर आर यू सेलिंग एंड वेयर आर यू प्रोक्योरिंग फ्रॉम. हाँ जी. बट कीपिंग यू इन योर माइंड, आई मीन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. सो कीपिंग यू इन माइंड, यू आर अ मैन्युफैक्चरर योरसेल्फ. यस. ओके. नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ ट्रेडर दो. सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास प्राइस थोड़े सही हो जाते हैं? प्राइस है दूसरा. प्राइस तो एक्चुअल में जिसको क्वालिटी अच्छी चाहिए वो प्राइस बाद में देखता है. अच्छा. पहले है कि क्वालिटी उनके अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए उनको. ओके. कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि वो क्या ले रहे हैं. अच्छा. कई कस्टमर्स हमारे पास ऐसा है कि 95% कस्टमर्स का ये रहता है कि जी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप हमें दिखा दीजिए कैसे बन रहा है. हाँ. तो हम उनको दिखा देते हैं कि हम ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से बेड बनता है या सोफ़ा बनता है. ठीक. वो सब उस तरीके से बनता है. ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ट होना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है. मोर देन इयर्स यू हैव बीन इन दिस बिजनेस. सो वी डू नॉट डिस्प्यूट दैट यू हैव अ ह्यूज लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट वी नीड टू चेक आउट द फैक्ट्री पार्ट. हम चाहेंगे एक बार आपके साथ फैक्ट्री पर चलें. हाँ. उसके बाद में फिर हम कुछ बेड्स देखेंगे. करेक्ट. तो पहले फैक्ट्री चलें. हाँ जी. ओके. फाइनली हम लोग आ गए फैक्ट्री में. हाँ जी. देवेंद्र, यहाँ पे आने का पर्पज यही था कि हम देख पाते कि हमारी फैक्ट्री का सेटअप कैसा है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, और ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग करना गलत होता है, ट्रेडिंग भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं रिलेटिवली उनके प्राइस ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना. दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो आप अपने फर्नीचर को बनते हुए भी देख पाते हैं प्रोसेस में. ये एक बहुत बड़ा प्लस आप लोगों के साथ होता है जो खुद मैन्युफैक्चरर है. तो मुझे बता सकते हैं जगह के बारे में कि ये क्या जगह है? ये जगह है हमारा, यहाँ पे बेड यूनिट बनता है सारा. अच्छा. सारे बेड मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं. अच्छा. अब जैसे ये बेड है, ये बेड हम आपको बना हुआ भी दिखाएंगे. अच्छा. इसमें क्या होता है, कस्टमर पूछता है हमसे कि जी आप क्या मटेरियल लगाते हैं क्या नहीं. तो एक पर्पस ये भी है हमारा कि इसमें जो है कस्टमर को पता लग जाए कि हम क्या मटेरियल यूज करते हैं. हम सब कमर्शियल बोर्ड प्लाई यूज होता है. ओके. अगर अपोस्ट्री वाला बेड है तो जी. और अगर आप वुडन बेड लेते हैं उसमें टीक वुड भी लगता है बट उसमें अपोस्ट्री नहीं होती. बिल्कुल ठीक बात है. ये सब उसी तरीके का मटेरियल लगा है क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पे हैं. वो जो टीक वाले हैं वो सेकंड फ्लोर पे है ना. तो यहाँ ये हेडबोर्ड है. ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये बॉक्स की प्लाई है. अच्छा. जो बॉक्स के ऊपर लगेगी जहाँ पर मैट्रेस रहता है. अच्छा. ये वो प्लाई है. ओके. अब जैसे एक ये बेड है जी. इस बेड को हम बोलते हैं विंग बेड विद चेस्टर क्विल्टिंग होता है. ये वाला बेड भी हम आपको दिखाएंगे. ओके. अब ये सारा जो है कमर्शियल बोर्ड प्लाई यूज करते हैं हम लोग, कहीं एमडीएफ वगैरह यूज नहीं करते. ठीक है. तो जो हम हमारे व्यूअर्स हमारे साथ कई साल से जुड़े हुए हैं पिछले, वो इन बेड्स को अक्सर देखते रहे होंगे हमारे चैनल पे या आई गेस कहीं और भी. हाँ जी. और वो हमेशा सोचते थे, क्यूरोसिटी होती है कि कैसे बनते हैं. तो उनको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दें कि ये कान वाला बेड बना रहे हैं आप. हाँ जी. है ना. ये आपने एक बोर्ड लगाया. हाँ जी. फिर उसके बाद में ये आपने कान लगाए. ये इसके विंग्स लगे हैं, कान लगे. हाँ, विंग्स भी बोलते हैं. एक्चुअल वर्ड इज विंग्स. उसके बाद में क्या होता है इसका?
उसके बाद में अब इसका ऊपर की जो कुशन की प्लाई है वो कटिंग काटी जाएगी। अच्छा, फिर उसके ऊपर फोम लग करके कुशनिंग करी जाएगी, फिर इसको फिट किया जाएगा। इस तरीके से बनता है, और फिर जहाँ पॉलिश एरिया है इसमें वहाँ पॉलिश होगी। अच्छा, ये वाले पार्ट में तो हम कहीं पॉलिश एरिया देख नहीं रहे। हाँ, इसमें नहीं दिख रहा है हमको, इसमें कहीं दिखेगा नहीं। क्योंकि अगर ये वाले बेड में क्या होता है कि आप जो बॉक्सेस होते हैं, कई कस्टमर्स कहते हैं कि हमें बॉक्सेस पॉलिश में चाहिए। अच्छा, और जो बेड है वो फुल अपोस्ट्री में चाहिए, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बॉक्सेस पॉलिश में हो जाते हैं और जो बैक साइड रहती है वो अपोस्ट्री में रह जाती है सारी। ठीक है, ये तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट देख लिया। एक बेड है ये, बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत शॉर्ट में हम बता दें कि मुझे इंप्रेशन जो इसको आ रहा है डिज़ाइन को लेकर, वो ये कैसा लगता है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, एक डिज़ाइनर बेड बनाते हैं वो, उनकी सिमिलैरिटी है इसमें, ये उसका स्ट्रक्चर है बेसिक। ये एक्चुअल में लग्जरी ब्रांड की ही कॉपी है। अच्छा, डिज़ाइन की, और ये काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है। तो कस्टमर जैसा चाहता है कि उसको प्रीमियम डिज़ाइन चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं डिज़ाइन। लेकिन ये प्रीमियम सेगमेंट का फर्नीचर है। हाँ, क्योंकि अभी हम स्टोर हमने विजिट नहीं किया है तो हमको मालूम नहीं है कि हम क्या हम अपने पास रखते हैं इसे प्रीमियम। हाँ, रखते हैं, बट जनरली क्या होता है डिमांड के ऊपर बनाते हैं और जनरली इस डिस्प्ले में कम रखते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रीमियम बेड जो है कस्टमर चाहता है कि उसी टाइम उसको बन के और चला जाए, तो डिस्प्ले में आ नहीं पाता। अच्छा, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि वेलकम फर्नीचर के पास में कैपेसिटी है, टीम है, आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है। हाँ जी, आप प्रीमियम सेगमेंट का फर्नीचर भी अगर चाहें तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है कस्टमर क्या चाहता है। चलिए ठीक है, क्विकली हमारे व्यूअर्स को बता दें कि प्रीमियम सेगमेंट के फर्नीचर में जो एक एक डिटेल होती है, राइट फ्रॉम हार्डवेयर, वुड, वर्कमैनशिप, डिज़ाइन, आइडिया, अपॉल्स्ट्री, पॉलिशिंग, वो सारी की सारी अपर रेंज की होती है, इसीलिए वो फर्नीचर थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में बनता है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, राइट ना। चलिए अब शोरूम पे चलते हैं और हम कुछ बेड्स चेकआउट करेंगे। ठीक है, ओके। सो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हम बहुत सारे बेड्स दिखाते हैं, वैसे तो डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, पर हम चाहेंगे कि हम जो हमारी मोस्ट सेलिंग है, मतलब अलग अलग सेगमेंट के कुछ कुछ सैम्पल्स हम देखते चले जाएं। और देवेंदर, हमने कुछ बेड्स हैं जो इसमें शो स्टॉपर चूज़ किए हैं मैंने, पर्सनली जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो हम एंड ऑफ द वीडियो दिखाएंगे और बीच में भी दिखाएंगे वीडियो के, है ना। आप कहाँ से स्टार्ट करने को कह रहे हैं सेगमेंट के हिसाब से? मैं एक बेड नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा जी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने टेक्सचर विनियर यूज किया हुआ है। अच्छा, और बीच में जो है गोल्डन एसएस की स्टील लगाई हुई है और लेदराइट लगाई हुई है, इजी क्लीन है, और साइड टेबल्स भी हैं, वो डिफरेंट करी हुई है, एक तरफ दो सेल्फ हैं, एक तरफ ग्लास की थोड़ी सी लुक दे दी है। अच्छा, और टेक्सचर विनियर इसका काफी डिफरेंट कर देता है अलग और बेडों से। ठीक है, ये एक किंग साइज बेड है विद बॉक्स है। अब वो बॉक्स में लैमिनेट्स नहीं है इसमें बॉक्स में लैमिनेट नहीं है। अच्छा, आप चाहे तो लैमिनेट्स करा सकते हैं। अच्छा, क्विकली एक स्टैंडर्ड सेट कर दें हम कि जब भी किंग साइज बेड होंगे, बॉक्सेस होंगे इनके, तो ये इस तरह मिलेंगे। अगर आपको लेमिनेशन कराना है, क्योंकि कुछ शो स्टॉपर बेड भी आपके पास आ गए हैं अभी। हाँ जी। जो कि ऑलमोस्ट प्रीमियम सेगमेंट के हैं, वो भी हमें आपको दिखाएंगे जिसमें लेमिनेट लगी होगी बॉक्स में। अच्छा, वो जब कस्टमर चाहे इस वाले बेड में भी अगर लेमिनेट लगानी है तो लग सकती है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन वुडन टेक्सचर जो पसंद करते हैं उनकी चॉइस का ये एक बेड है। इसका क्या प्राइस रखा है आपने? इसका जो प्राइस है वो 36,000 है। ठीक है, विद साइड टेबल्स। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल हमने इसलिए नहीं दिया देवेंद्र, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये कस्टमाइज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, रोज़ गोल्ड गोल्ड, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम दूसरा देखें। हाँ, अब बेड नंबर दो पे क्या प्राइस बताया था, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ। 36,000। दिस इज़ फॉर 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपये का है ये बेड। अगला देखते हैं अभी, बेड नंबर सेकेंड आएगा। ओके, ये मेटालिक फिनिश में है और जो इसका लुक दिया हुआ है थोड़ा सा कार्विन इसमें हमने इंक्लूड करी है बेड में, जैसे इसमें ग्लास साइड टेबल्स में हमने मिरर लगाया है। अच्छा, ये इसकी साइड टेबल है? हाँ जी, मुझे लगा था फॉर अ चेंज कि ये थोड़ा सा एक कोई ड्रेसर है। अच्छा नहीं, बट ये साइड टेबल्स है और बोथ साइड सेम साइड टेबल्स आएंगी। और जो इसकी ड्रॉर है ये काफी डीप है इसकी ड्रॉर। अच्छा ठीक है, दो ड्रॉर्स की जगह पर एक ड्रॉर्स करी हुई है, कस्टमर चाहें तो इसके दो ड्रॉर्स करवानी है तो दो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डेप्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसका एडवांटेज भी है। हाँ जी, जब भी आप डेप्थ का ड्रॉर करते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपके बड़े ऑब्जेक्ट भी उसमें आ जाते हैं। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि आपको इतनी डेप्थ नहीं रखनी तो आप उसको तो आप दो ड्रॉर में। लेकिन ये कार्विंग का कैसे करेंगे फिर आप? कार्विंग बीच में से कट हो जाएगी। अच्छा, उसका डिज़ाइन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा ग्रेस है इसका। हाँ जी, ये जो इसमें दो कलर्स यूज है, एक रोज गोल्ड कलर है और एक गोल्ड कलर यूज है, वो मेटालिक के अंदर है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा लाउड नहीं है वो, है ना। हाँ जी, ठीक है। और हेडबोर्ड की बात करें तो ये एक बटरफ्लाई शेप में है, तो ये बहुत अच्छा एक फेमिनिन एक इम्पैक्ट देता है, थोड़े से रोमांटिक टाइप होते हैं ये बेड। हाँ जी, क्योंकि थोड़े सॉफ्ट एंड पोलाइट होते हैं ये। हाँ, है ना, कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेड, मैनली बेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये भी। सेम जो आपने कार्विंग यहाँ की है वही कार्विंग आपने साइड टेबल्स में मैच की है। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि क्योंकि अच्छा बेड है ये, हुई एक तरह का शो स्टॉपर जैसा ही है, मुझे मालूम नहीं था ये इसका साइड टेबल है, इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा ये, किसी तरह से इससे अटैच नहीं होगा, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो जो आपका जो बीच में स्पेस है यहाँ से आपका वॉलपेपर और कलर जो है वो विजिबल रहेगा। हाँ जी, इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से इंटीरियर भी इसमें काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि साइड टेबल के पीछे पूरा कवर नहीं कर रहा है वो। हाँ, पीछे स्पेस है तो आपकी वॉल, जैसे बेड की हाइट अराउंड 5 feet है और पीछे आपको वॉल भी, जो आप वॉलपेपर वगैरह लगाएंगे या कलर डिफरेंट करते हैं, टेक्सचर पेंटिंग कराते हैं, तो वो भी आपका विजिबल होगा साइड टेबल के बैकग्राउंड से भी। हाँ, ये थोड़ा लो है उस बेड से, पहले वाले बेड से? ये लो फ्लोर के अंदर काउंट होंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। जब भी आप मैट्रेसेस का साइज दें एक बार बता दें, इन कैसे आप लेते हैं, अंदर से लेते हैं ना? मैट्रेस का साइज अंदर से रहता है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आता है मैट्रेसेस का। हाँ जी। तो बार बार हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि आप इन, मतलब एज टू एज लें अंदर की तरफ से, है ना? हाँ जी। क्या प्राइस रखा है इसका? ये आएगा 42,000 का। अच्छा, दिस इज़ फॉर 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपये का है। अच्छा। ये एंड विद बॉक्स, लो फ्लोर, दो आपके दो साइड टेबल्स, साइड टेबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन में कॉस्ट एक्स्ट्रा है ना? कस्टमाइजेशन अगर सिर्फ फैब्रिक चेंज करना है सेम प्राइस में, अगर आप फैब्रिक ले लेते हैं, क्योंकि फैब्रिक इज हल्का फैब्रिक नहीं है, काफ़ी हैवी स्वेट लगा हुआ है फैब्रिक, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं और इससे हैवी मेरे को नहीं लगता कस्टमर को ज़रूरत है लगाने की। बट फिर भी अगर कोई कस्टमर चाहता है कि नहीं मेरे को और हैवी लगाना है, ओके, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, वो आप चेंज करके दूसरा कलर बनवा सकते हो। इवन आप जो मेटालिक कलर देख रहे हैं, गोल्डन कलर, ये भी आप चेंज करा सकते हैं, बट इसमें कॉस्ट वेरी करेगी। ओके, क्योंकि अलग अलग कलर्स के अलग अलग प्राइसिंग है। बिल्कुल, वो लीटर्स के हिसाब से उनके प्राइस वेरी कर जाते प्राइस वेरी करेगा। और जो अभी कल्चर्स है इंडिया में, और एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे हम, हाँ कि स्वेट बहुत इन है, जिसको हॉलैंड फैब्रिक बोलते हैं, हाँ, और जिसको देखो वो सब अभी स्वेट ले रहे हैं, और लेदराइट सेकेंड नंबर पर है, ईजी टू मेंटेन दोनों ही होते हैं, है ना? हाँ जी, दोनों बराबर से मेंटेन कर सकते हैं। स्वेट में ऑप्शन आता है, स्वेट में लेदराइट भी आती है, स्वेट लेदर बोलते हैं उसको जी, वो भी इजी क्लीन होता है। हाँ। आप उसको भी मतलब वेट क्लोथ हो गया या कॉलिन वगैरह से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। इनकी जो रेंज है वो भी बहुत लो रेंज से भी स्टार्ट होते हैं स्वेट, और ये बहुत अच्छे भी जाते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल जो उसका है ना। हाँ जी, कि उसका उसकी लाइफ कितनी है। हाँ जी, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखते हैं ना कि जो भी आप हेड साइड में लगाते हैं, हेडबोर्ड में फैब्रिक लगाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का हो। सारी अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक लगते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा ना जल्दी, अगर सस्ता होगा तो। खराब हो जाएगा, सस्ता होगा तो उसके पील हो जाएगा, अगर लेदराइट होगी तो। अच्छा। स्वेड होगा तो जहाँ पर भी स्टिचिंग होगी वो स्टिचिंग खुल जाएगी। अच्छा, इस तरीके का डिफरेंस रहता है। चलिए, वी गो टू द नेक्स्ट वन। अब हम बेड नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने आपसे बात की थी ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कोशिश करते हैं कि जितनी भी वीडियोस करें उनमें साथ में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते जाएं। ठीक है, ठीक है, ये दिस इज़ आ बेड नंबर 3। हाँ जी, ओके। इसकी क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी यही है कि प्लेन डिज़ाइन है और कुशन भी है और पॉलिशिंग एरिया भी ऐड हो जाता है। अच्छा, और इसमें जो हमने बॉक्स के अंदर सनमाइका ऐड करी हुई है, ये लेमिनेटेड है। हाँ जी, ये किसी कस्टमर ने बनवाया है कस्टमाइज करके। अच्छा, तो उन्होंने पूरे बॉक्स में सनमाइका लिए। अच्छा, इस तरीके से फिनिशिंग रहती है। देखिए, सनमाइका की जो फिनिशिंग होती है और जो डिको की फिनिशिंग होती है, जो पेंट वो पॉलिशिंग होती है, उसमें काफी डिफरेंस रहता है। अब इसमें हम हर तरीके से हर जगह वो लगाते हैं सनमाइका, जैसे आप आउटर साइड भी देखेंगे अगर बॉक्स की, तो यहाँ पर भी सनमाइका लगाते हैं। अच्छा, वहाँ भी लेमिनेट किया आपने, सनमाइका लगाई है। अच्छा, ओके। इवन दो हमने यहाँ पर भी लगाई थी, जहाँ पर दो बॉक्स मिल जाते हैं, इन दोनों के बीच में भी सनमाइका लगी हुई है। अच्छा, पूरा बॉक्स सनमाइका में उसको पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार चीज़ आपने बता दी कि प्रीमियम सेगमेंट में जैसे आप जाते जाते हैं, वो ये सारे इंप्रूवमेंट उनमें होते जाते हैं, है ना? इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है, इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी। और पूरा बेड का पूरा गेटअप ही चेंज हो गया है ना? हाँ, अगर आप विदाउट मैट्रेस देखेंगे तो अंदर से फिनिशिंग और सारा गेटअप चेंज हो जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ और है जिसमें मैं भी फोकस हम करेंगे, वो है फैब्रिक। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फैब्रिक, लेकिन लेमिनेट की बात कर रहे थे कि जब भी आप कोई प्रीमियम सेगमेंट का बेड बनवा रहे हैं, अच्छा बनवा रहे हैं, अपने घर के लिए बनवा रहे हैं, तो आप लेमिनेशन कराएं, क्योंकि उससे उसकी बेड की ना केवल ब्यूटी अच्छी हो जाती है, उसमें रखने वाला सामान सेफ एंड सिक्योर रहता है, एट द सेम टाइम उसकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है। लाइफ रहता है, क्लीनिंग में इजी रहता है। हाँ, क्लीनिंग में बहुत इजी होता है ना? ठीक है, अब बात करेंगे इसके फैब्रिक की। ये देवेंद्र जी ने हमको बताया नहीं, लेकिन ये प्रीमियम सेगमेंट का फैब्रिक है इसमें, जो बहुत खूबसूरत है। अभी रिसेंटली हमने ये एक जगह देखा था एंड आई जस्ट काइंड ऑफ फेल इन लव। हमने सर्वोदय में देखा था, आई गेस। बहुत प्यारा फैब्रिक है ये, है ना? ये थोड़ा अपर सेगमेंट का है, नया टेक्सचर है, स्वेड के अंदर नया टेक्सचर आया। जनरली
जो टेक्सचर आ रहे थे वो मिलते जुलते आ रहे थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया। बहुत प्यारा है ये, बहुत अच्छा है ये। हाँ, आपने चूज़ किया? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब साइड टेबल्स की बात करें तो अलाइनमेंट इसका लाइन से लाइन मैच हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। अच्छा, और वाइट कौन सा पॉलिश है? वाइट पीयू पॉलिश है। ओके, इसकी क्या लाइफ होती है पीयू पॉलिश की? पीयू पॉलिश की भी लाइफ अच्छी होती है, 10-15 साल कहीं नहीं जाता पॉलिशिंग भी। आपको मेंटेन रखना पड़ता है। वो कैसे? मेंटेनेंस का ये है कि आप रोज सिर्फ अगर एक सूखा कपड़ा भी बेड पे मार दोगे तो शाइन एज इट इज रहती है। ओके, आप क्लीनिंग नहीं करोगे तो डस्ट उसके ऊपर जो है जमा हो जाती है, तो वो शाइन कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही हमारी कार्स में भी होता है। राइट, जैसे हम कार्स के ऊपर रबिंग वैक्स हमने करा लिया, वो दोबारा जो है उसमें जितनी भी डस्ट है वो सब कट के हट जाती है, तो शाइनिंग आ जाती है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर बेड में भी है। आप क्लीनिंग सूखा कपड़ा डेली मारते रहिए, आपका बेड खराब नहीं होगा, शाइन एज इट इज रहेगी। सनलाइट का क्या होगा? जो अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ये पेल पड़ जाते हैं, वो तो पीरियड ऑफ टाइम जो व्हाइटनेस है वो चली जाती है और ये बिकम लिटिल पेल। वो होता है डस्ट की वजह से। अच्छा, डस्ट की वजह से बेड जो है बेडरूम रहता है। अच्छा, वहाँ तो सनलाइट आएगी नहीं। हाँ, बहुत तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। डस्ट की वजह से वो डस्ट इकट्ठी होती रहती है, उसकी वजह से वो येलो पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और दूसरा होता है क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है पीयू की तो वो पीला नहीं पड़ेगा। मेरे को टेंशन हो रही थी, आपने ऐसी बात बोली और ये बात नहीं बोली आपने, आपने खुद ही बोल दी ये बात। बता दीजिए अभी कि पीयू की भी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने लोअर क्वालिटी का पीयू यूज किया हुआ है, तो भी वो चांसेस होते हैं कि वो पीला पड़ सकता है। जल्दी से पीला पड़ जाएगा, 2-3 महीने में आपका पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा बेड आपका व्हाइट से क्रीम होता जाएगा, क्रीम से फिर येलो हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ओपनिंग दिस बॉक्स। बॉक्स ऑफ फैक्ट इज ओपन नाउ एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट दैट द पॉलिश क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू हैव अ यूनिफॉर्म ड्यूको पॉलिश, यू जस्ट बाय इट फॉर यू नो फ्यू लीटर। एक लीटर का यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है, अलग अलग होता है ये। अलग अलग होता है, पीयू का जो बेस बनता है वो भी अलग होता है। अच्छा, लेकर नॉर्मल नहीं, लैकर। अच्छा। तो बेस हो गया, लैकर तो बिल्कुल लोएस्ट होता है। अच्छा, ओह ओके। लैकर के बाद होता है ग्लोसी, मेलामाइन, फिर मैट होता है, फिर पीयू होता है। ओह। पीयू के अंदर अगर आप मैट की ब्राई कर रहे हैं, सीलर अच्छा कर रहे हैं, उसका अलग बेस बनता है। ठीक है, नहीं तो वो अंदर से जो है ना वाइट आएगा नहीं प्रॉपरली। और इनका पेल होने के कई सारे वजह हैं। सोचा था वीडियो छोटा करेंगे लेकिन पता नहीं, आई थिंक इट्स नॉट इन माय लक। सो माय इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते जा रहे हैं आपसे। एक तो पीयू की पॉलिश किस तरह से लेकर किया गया है, देर इज अ रिजीम टू फॉलो वन आफ्टर अनदर, देर आर मल्टीपल लेयर्स डन ऑन द पॉलिश, देन ओनली दिस वाइट विल रिमेन स्पार्कलिंग पर्ली वाइट। समटाइम्स इवन द कलर ऑफ बोर्ड विल एक्चुअली सीप आउट और वो आपका पीलापन छोड़ सकता है, है ना, इसलिए जरूरी है। खैर, वेयर आर वी गोइंग नाउ? वी आर गोइंग फॉर बेड नंबर 3। ओके, बेड नंबर 4। ओके, सॉरी, बेड नंबर 4। ऑल राइट, चलिए। तो अभी हम कैसे दिखाएंगे? अभी हम हेडबोर्ड देखेंगे। अच्छा, ठीक है, ये एक हमारा हेडबोर्ड है ना? हाँ जी। ओके, इसमें काफी डिजाइन बनते हैं, लोगो आप अपनी पसंद से जो मर्जी लगवा सकते हो। ओके, जैसे ये लोगो है, इसमें बेंटले भी बनता है, एलवी भी बनता है, अरमानी भी बनता है, गुच्ची भी बनता है। तो किसी कस्टमर ने बनवाया है, वो भी हमारे क्लैपट्रैप फैमिली से ही है। अच्छा, तो उन्होंने ये फेंडी बनवाया है। तो इसमें कलर भी जो है रोज गोल्ड कलर है, स्टील का कलर गोल्डन है। अच्छा, फुल अपहोस्ट्री का बेड है। ठीक है, और इसमें फ्रंट हेडबोर्ड में तो ये किया है, फुटबोर्ड में क्या किया? फुटबोर्ड में भी सेम डिजाइन है, बट अच्छा, उसमें लोगो नहीं होता है वहाँ पे। और बॉक्सेस में भी सेम डिजाइनिंग है, सेम फुल अपहोस्ट्री है। ये कितने का पड़ा? ये अराउंड 26,000 का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं आपको नेक्स्ट हेडबोर्ड दिखाता हूँ। बोर्ड है जी, इसमें हमने थोड़ा सा मेटालिक पोर्शन यूज करा है। अच्छा, इसकी शेप डिफरेंट दे दी है। जनरली हर बेड का जो बॉर्डर होता है वो प्लेन होता है, हमने इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा डिफरेंट दिया है और इसमें मेटालिक कलर ऐड कर दिया है। अच्छा, और इसकी जो शेप दी है बेड का जो डिजाइन है वो भी डिफरेंट है। कलर रोज गोल्ड है, ऐसा लगेगा जैसे मिरर लगाया हुआ। राइट, फिनिशिंग काफी अच्छी आई हुई है इसकी। और ये पॉलिशिंग के साथ में है, फुट साइड और हेडबोर्ड जो है इसकी सेम पॉलिशिंग के साथ में। ये कितने का है? ये 24,000 का। ठीक है, तो जिस तरह से हम पॉलिश की बात कर रहे थे, एक सवाल और है, तो क्या एसएस की क्वालिटी जो इसमें लगते हैं वो भी अलग अलग वेरी करती है? सस्ते महंगे भी आते हैं? बिल्कुल वेरी करती है। अच्छा, जो बेड आप देखते हैं मार्केट में लो प्राइस के हैं, आप सस्ते दे रहे हो वो महंगा दे रहा है, या आप महंगे दे रहे हो वो सस्ता दे रहा है, तो फर्क वही होता है। अच्छा, क्वालिटी में ही फर्क होता है। अच्छा, जो एसएस की स्ट्रिप होती है इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खुद कटवाते हैं। ओके, पूरी लेंथ शीट आती है 8x4 की, उसमें से हम अपने साइज के अकॉर्डिंगली क्वालिटी देख करके फिर हम उसको कट करवाते हैं कि हमें 1 इंच की लगानी है, 2 इंच लगानी है, 3 इंच लगानी है, उस हिसाब से हम लोग लगवाते हैं। जैसे इसमें कुछ भी डिजाइन कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, एसएस किसी को बड़ा चाहिए, एसएस में भी कटिंग करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी थी इन्फॉर्मेशन। कितने का है ये? ये 24,000 का बेड है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और बेड दिखाएंगे हम। फिर एक ये बेड आएगा,
ये भी फुल अपोस्ट्री का बेड है, ये काइंड ऑफ शोस्टॉपर्स की स्टार्टिंग हो गई हमारी, है ना? हाँ जी, ये बीच में एक शोस्टॉपर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ये काफी डिसेंट बेड है और स्टेम पिन इंटरेस्ट पे या इंस्टा पे या गूगल पे काफी शो कर रहा है। जैसे लोग सर्च करते हैं कि हमें लग्जरी बेड चाहिए तो उसमें आजकल ये फर्स्ट नंबर पे डिजाइन आ रहा है। बिल्कुल, तो दिस इज आवर शो स्टॉपर नंबर वन। इसके बाद में हमारे पास लगभग 2-3 शो स्टॉपर और भी हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छा है, ये सारे डिजाइन अच्छे हैं बट ये शो स्टॉपर है, ये मेन है, अपने अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है। लेदराइट है? नहीं, ये लेदर स्वेड है। लेदर स्वेड है, ये दिखता लेदर है बट है फैब्रिक, इसको है। आप इजीली क्लीन कर सकते हो। अच्छा, जैसे कॉलिन से साफ कर लिया या हल्का वेट क्लोथ से साफ कर लिया, अच्छा वो सब क्लीन हो जाएगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये सब कस्टमाइज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कलर्स, आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये किंग साइज है? ये भी, ये भी किंग साइज बेड है। क्या प्राइस है किंग साइज का? इसमें दो तरीके के हैं, अगर आप बॉक्सेस भी फुल अपोस्ट्री में लेंगे तो 26,000 की कॉस्ट करेगा। अच्छा, और अगर आप बॉक्सेस लेंगे विद पॉलिशिंग तो वो 24,000 का कॉस्ट करेगा। ठीक है, अगले भी देखते हैं, अब नेक्स्ट बेड दिखा देते हैं। चलिए, अब ये हम देखते हैं नेक्स्ट बेड विदाउट कट। ये देखिए, एक और दिस वन मोर कमिंग। ये थोड़ा सा लिटिल ड्रामेटिक है, ये थोड़ा स्टूडियो टाइप का है ना? हाँ जी। ओके, बट ये हम नहीं दिखाएंगे, हम इसका दूसरा कलर दिखाएंगे। अच्छा, आप हमें दूसरा दिखाएंगे। वैसे इंडिविजुअल चॉइस होती है सबकी, हम बता दें कि अगर आप बेज इन ऑरेंज भी चूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ये भी किसी ने बनवाया है। हाँ जी, ये भी बना हुआ, सब कस्टमाइज है। जनरली 90% हमारे पास जो रहते हैं प्रोडक्ट्स वो कस्टमाइज एंड ऑर्डर के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, डन। ये वैसे क्या प्राइस रेंज का गया? ये 22,000 का। ओह लवली, ये तो और भी अच्छा निकल गया है। दिस इज, वो भी अच्छा था। हाँ, ये एक ही कस्टमर्स के दो बेड है। अच्छा, वो भी अच्छा था। एंड दिस हैज गॉट समर पिंक और सॉरी सी पिंक एंड बेज, बेज कलर, दो कलर में है ये। हाँ जी। और बीच में ऐसे इसकी यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई है। पूरा फ्रेम वुडन है। हाँ जी। और ये क्या प्राइस का है? ये भी 22,000 सेम प्राइसिंग है। यही आपको हमने स्ट्रक्चर वहाँ दिखाया था कि ये बेड हम आपको वहाँ दिखाएंगे। अच्छा, जो हम फैक्ट्री में देख रहे थे ये वही है? ये वही है। अच्छा, इसके साथ में हम फैक्ट्री में हमने एक और बेड देखा था, विंग। हाँ, वो तो हमारा शो स्टॉपर है। हाँ, वो भी बेड मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो ये बेड है, ये हमारा शो स्टॉपर 2। हाँ जी, है ना? वेरी नाइस। शो स्टॉपर तो वैसे काफी हो चुके हैं अभी तो बहुत सारे हैं। मेरा फेवरेट तो अभी आने वाला है, जो मुझे अच्छा लगा था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज माय फेवरेट नाउ। कलर बहुत अच्छा है। अच्छा, कस्टमर ने काफी ढूंढा ये कलर। अच्छा, अराउंड 4 शॉप्स पे ढूंढने के बाद में ये कलर उन्होंने फाइनलाइज किया कि मुझे ग्रे में चाहिए, बट डिफरेंट ग्रे चाहिए। वेरी वेरी इंग्लिश ब्रिटिश ग्रे। अगर आप मुझसे पूछें कि ये कौन सा ग्रे है तो नाम तो एग्जैक्ट जो मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज गॉट लिटिल बिट ऑफ ग्रीन बट दिस इज कॉल्ड लंडन ग्रे। दिस इज वेरी पॉपुलर इन वेस्ट। जिसने भी ये चूज किया है, जिन्होंने भी आपको ये डिज़ाइन का ऑर्डर किया है, दे हैव एन अमेजिंग टेस्ट। बहुत प्यारा बनाया और आपने इतना नीट बनाया है इसको। हाँ जी, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। स्टिचिंग की फिनिशिंग देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, कितना फिनिशिंग के साथ में बेड बना हुआ, बहुत अच्छा बनाया है। तो इसमें क्या चेस्टर आपने जनरली जो जैसे टफ्टिंग होती है कि एक एक नेल करके करने की बजाय आपने पहले उनको कट किया है फिर प्लीट्स बनाए हैं उनको? यहाँ पे देख रहे हैं स्टिच दिख रहा है, पूरा स्टिच अलग से है। पैचेस बना बना के नहीं नहीं, फैब्रिक सिंगल है, स्टिचिंग अलग से लगाई हुई है। अच्छा, ये वाली। ओके, ये अलग से फैब्रिक एक और लगाया उसके ऊपर। दिस इज वेरी नाइस। अब मुझे इसका थोड़ा सा बता दीजिए कि इसके हेडबोर्ड वगैरह पे आपने क्या किया, फुटबोर्ड पे क्या किया? फुटबोर्ड प्लेन है। अच्छा, क्योंकि जो इसके बॉक्सेस हैं वो भी प्लेन फुल अपोस्ट्री में है, तो उसके साथ में ही फुट साइड लगा हुआ है, वो प्लेन बना हुआ है। और बॉक्सेस में क्या किया है? बॉक्सेस प्लेन डिको पॉलिश के साथ में। अच्छा, किस कलर का? डिको डार्क कलर भी हो सकता है और मीडियम कलर व्हाइट भी कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, जैसा कस्टमर चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये इस तरह का आप बेड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल मिनिमलिस्टिक है ये, तो इसके पीछे जितने भी आप वॉलपेपर्स या कलर्स लगाएं वो भी आप सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक रखें। बहुत बहुत प्यारा बेड दिखाई दे रहा है। क्या प्राइस रखा है इसका? ये हमने रखा है 28,000 का। अच्छा, दिस इज फॉर 28,000 रुपीज़। ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, ये क्वीन साइज बना हुआ है बेड। अच्छा, ये क्वीन साइज बना हुआ है, बट क्वीन साइज किंग साइज कॉस्टिंग सेम रहती है। सेम रहेगा। अच्छा, ठीक है। दिस इज आर सेकंड शो स्टॉपर और थर्ड शो स्टॉपर है। नेक्स्ट पे चलें भी? हाँ, नेक्स्ट बेड पे आते हैं। ये देवेंद्र ये बता रहे थे अब इसके बारे में कि ये वुडन में है। हाँ, ये वुडन और कुशन दोनों चीजें हैं इसमें। अच्छा, वुडन का जो एरिया है वो भी ज्यादा है और स्टील भी है और कुशन भी है। अच्छा, तीनों चीजें मिक्स करी हुई है। ठीक है, कई लोग होते हैं जैसे कस्टमर चाहता है कि हमें वुडन भी मिल जाए और कुशन भी मिल जाए, तो वो उस हिसाब से हो जाता है। हर कोई फुल अपोस्ट्री में नहीं लेता है बेड। अच्छा, तो कुछ लोग वुडन भी चाहते हैं। वुडन में एक्चुअल में इजी रहता है मेंटेनेंस में। जी, और ये हमने एक डिजाइन क्रिएट किया है यहाँ पे। ये यहाँ पर इसका फुट सेट पे डिजाइन क्रिएट किया है, ये थोड़ा डिफरेंट किया है इसको ताकि प्लेन ना रह के फ्रंट में कुछ डिजाइन आ जाए। ठीक है, साइड टेबल्स की जो है काफी सिंपल एंड एलिगेंट है, क्योंकि बेड थोड़ा सा लाउड है ना इसके लिए।
और इसमें साइड टेबल में लाइट्स भी है, यहाँ पर लाइट लगी हुई है जो कि नीचे फोकस करेगी। अच्छा। और ये बोथ साइड आएगी साइड टेबल, और ये मुझे ख्याल आई एम श्योर ऑन होने के बाद अच्छा दिखता होगा। हाँ, अच्छा। क्या प्राइस रेंज में रखा है ये वाला? हमने रखा है 36,500 का। अच्छा, क्योंकि इसमें वुड ज़्यादा है इसके लिए। ठीक है, एक और हमारे वुड लवर्स के लिए यहाँ पे एक और बेड है जो वुड पसंद करते हैं, है ना? ये क्या साइड टेबल है उसका? ये इसका साइड टेबल है, इसमें दो ड्रॉर्स है इस तरीके से। अच्छा, और ये जो इसकी लुक दी गई हुई है बेड की जी, इसमें क्या है कि दिखता कुशन जैसा है बट है वो वुड। हाँ, वो रियल वुड है, ये टीक वुड लगी हुई है सारी। अच्छा। इसको हम हिंदी में सागवान बोलते हैं। ये सारी टीक वुड लगी हुई है। अच्छा। और बेड भी प्रॉपरली सब प्रीमियम जो है, हमारा जो मटेरियल रहता है वो कमर्शियल प्लाईबोर्ड का ही लगता है। टीक, अच्छा। टीक वीनियर लगा हुआ है और जो बॉक्स में प्लाई वगैरह लगी है वो भी सब अच्छी क्वालिटी की लगती है। पॉलिशिंग इसमें मैट फिनिशिंग करी हुई है, बोट शेप में ये है ना, बाहर की तरफ एलिवेटेड। हाँ जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉक्स है, अभी तक हमने जितने भी बेड देखे उससे डिफरेंट है ये, फोर स्ट्रेट थे, ये स्लांट में बना हुआ है बेड जी, यहाँ से देख रहे हैं हम पूरा नीचे। हाँ, स्लांट में ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता होगा ना फिर? हाँ, ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है क्योंकि साइड में इसको हम प्लेटफॉर्म बॉक्स बोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म जो होता है वो एरिया ज्यादा लेता है। मैट्रेस एरिया हर बेड का सेम रहता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म का अपना इस्तेमाल भी होता है। हाँ जी, है ना। ये क्या प्राइस में रखा है आपने? ये हमने रखा है 40,000 का। ठीक है, अब हम चल रहे हैं, हमारे शो स्टॉपर रह गए वो देखने के लिए। चलिए ठीक है, अब कौन सा देख रहे हैं अभी देवेंद्र? हम अभी हम नेक्स्ट बेड देखेंगे। ओके, एक्चुअली हम दो बेड देखेंगे, दोनों ही शो स्टॉपर आप उनको कह सकते हो। अच्छा, अब आप नंबर्स ऑफ शो स्टॉपर जो बेड है वो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट बेड देखेंगे। मेरा फेवरेट है वो, मैं एंड में बताऊंगा उसका डिटेल भी, थोड़ा सा आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है पहले, फिर एक और लास्ट में शो स्टॉपर, कौन सा बताइए? फर्स्ट नंबर पे हम ये देखेंगे। अच्छा ठीक है, इसको हमने डुअल टोन में किया हुआ है, व्हाइट एंड वॉलनट कलर। अच्छा, ये भी पीयू पॉलिश में है और बेड की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जनरली स्ट्रेट बनता है, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप ये बनता है, इसको हमने वी शेप में बनाया हुआ है। अच्छा, और आपने बड़ा अच्छा सा प्ले किया है वुड के साथ, फैब्रिक को भी प्ले किया है, वुड भी इसमें ऐड कर दी है और फैब्रिक भी है, एसएसबी इन है तो एसएसबी इन कर दिया और कलर भी दोनों दिए हुए हैं, वॉलनट एंड व्हाइट। तो इन शॉर्ट इसमें आपने चार एलिमेंट्स को ऐड किया है, व्हाइट कलर का प्यू पॉलिश यूरोपियन स्टाइल का है, फिर मेटल है, फिर स्वेड है, फिर वुड है, है ना? हाँ। तो चार एलिमेंट हैं जो इसके अंदर आपने, एक एक्सपेरिमेंटल बेड है ये, दिस इज कम आउट वेल, अच्छा है निकल के ये। शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ। जनरली क्या है, ये तो साइड टेबल बेड के बिल्कुल आगे आती है, बाहर से होती है, इसमें हाफ अंदर है हाफ बाहर है। अच्छा, बहुत प्यारा है ये भी, अच्छा बन के आया है। इसमें भी अगेन हमारा, आप बोलिए। नहीं प्लीज प्लीज, मैं कह रहा था इसमें भी अगेन दो साइड टेबल्स हमने करी हुई है, वो भी हैंडल लेस है, आपको हैंडल की जरूरत नहीं है, आप हैंडल लेस यूज कर सकते हैं। अच्छा नाइस, ये भी सिंपल एंड एलिगेंट है ये। ये क्या प्राइस रखा है आपने इसका? इसका अगेन हमने 40,000 प्राइस रखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, विदाउट लेमिनेशन बॉक्स है ना इसके? हाँ, लेकिन अगर आप बॉक्स देखेंगे हमारे किसी भी बेड के, मैं आपको नेक्स्ट बेड में दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक और क्वालिटी, इसके बाद एक बेड और है। अच्छा, तो मेरा फेवरेट देख लें पहले। हाँ, आपका फेवरेट? चलिए, आई लाइक दिस वन, ये हम दोनों का बराबर का फेवरेट है और ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, दिस इज द बेड आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये बहुत खूबसूरत बेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 30 सेकंड में इसका ब्रीफिंग दूंगा आपको कि ये बेड मुझे क्यों अच्छा लगा। फर्स्ट अट्रैक्शन जो इसमें आता है वो है इसका अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ कलर, जो इसमें आपने एक नाइस सी पिंक या कैपेचिनो कलर का आपने फैब्रिक जो चूज़ किया है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा है। इसमें कॉम्बिनेशन में जो वाइट आपने चारों तरफ प्यू पॉलिश किया है वो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मुझे इसमें कर्व्स बहुत अच्छे लगे। अब ये पॉलिश जो है ना, ये पैटर्न ये बताती है कि वर्कमैनशिप कितना अच्छा है। इसके बाद में इसका अगर हम फुटबोर्ड देखें, अब हम नीचे देखते हैं तो बहुत नीटनेस है इसके काम में, बहुत खूबसूरत एक ये यूरोपियन स्टाइल का बेड है और ये मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी घर के लिए बहुत बहुत अच्छा है ये, दिस इज़ माय फेवरेट। ठीक है, अगर मेरे पास स्पेस होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव टेकन दिस बेड, बहुत अच्छा है ये। एंड ट्रस्ट मी, बहुत कम जगह हमको वाइट पॉलिश जो प्यू है वो इतना अच्छा देखने को मिलता है। अब मैंने इतनी तारीफ कर दी है, मेरा फेवरेट हो गया है, और अब देखते हैं कि देवेंद्र जी ने इसका प्राइस क्या रखा हुआ है। और आपको बता दें इसमें कि यह हालांकि आपने पॉलिश किया है बजट के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसको लेमिनेट कर देंगे तो इसकी ब्यूटी और एनहेंस हो जाएगी। बहुत प्यारा बेड है ये, बहुत अच्छा है ये। अब इसको टच करने की बारी है, देखिए पॉलिश इसकी बहुत अच्छी है ये, दिस इज़ माई फेवरेट बेड। मैंने 30 सेकंड बोला था, शायद ज़्यादा ले लिया, आप बताइए। अब इस पर एक और डिफरेंट जो चीज़ है वो है इसकी साइड टेबल्स। हाँ, इसकी जो साइड टेबल की शेप है वो डिफरेंट है। जनरली साइड टेबल की शेप जो है वो स्क्वायर शेप में रहती है, इसकी हमने राउंड करी है।
एजेस नहीं है। हाँ, एजेस नहीं है। और साथ में इसकी जो साइड टेबल्स के जो नॉब्स लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हमने कटिंग के हिसाब से करा कि वो हैंडल लेस आपका वर्क करेगा। अच्छा, ये आप इजीली ओपन करेंगे, इजीली क्लोज हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जनरली साइड टेबल की हाइट से इसकी साइज बड़ा है। अच्छा, हाइट भी ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है। अच्छा, तो ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट के साइज वाले आपने साइड टेबल बनाए हैं इनके। इसमें हम एक चीज और कवर जी करना चाहेंगे। बिल्कुल, प्लीज। आप डिको की हम बात कर रहे थे कि हम बेड में कैसा डिको हम पॉलिश करते हैं। आप कोई भी बेड देखेंगे, सब आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये हल्का सा है पैच, उस पर वो लग गया होगा, बट सारा साफ सुथरा मिलेगा। आप कोई भी बेड देखेंगे तो इसी टाइप का डिको आपको मिलेगा। कलर आप चूज कर सकते हैं, आपको लाइट कलर चाहिए या डार्क या और लाइट कलर चाहिए। ठीक है, लेमिनेशन का वैसे आप कितना लेते हैं अलग से? लेमिनेट हाफ बॉक्स का तो कोई फायदा नहीं है करा करके। नहीं, मैं फुल बॉक्स की बात फुल बॉक्स का ये है कि 8000 हम लोग लेते हैं। अच्छा, लेमिनेशन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जो कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर ढूंढ रहे हैं उनके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। उसका बेनिफिट ये बेनिफिट बहुत अच्छा है कि लेमिनेट पूरे बॉक्स में होगी। हाँ, सिर्फ फ्लोर टच जहाँ एरिया होगा वो एरिया को छोड़ के पूरे बॉक्स में लेमिनेट होगी। ठीक है, कोई कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे सनमाइका नहीं होगा। ठीक है, मेरा फेवरेट है ये, कलर की वजह से बहुत अच्छा है ये। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट करने की थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि इसकी ब्यूटी ख़राब हो सकती है। अगर इसको आप डार्कर शेड के साथ वाइट कर देंगे ना, तो थोड़ा चांसेस हैं कि इसकी ब्यूटी थोड़ी नॉर्मल कम हो बेड में है ना। ये अभी बहुत खूबसूरत बेड है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा बिकॉज ऑफ द लुक। इसमें 100% अपॉलिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में, सेफ एंड सिक्योर। साथ में पॉलिशिंग भी है, पॉलिशिंग इसकी मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस बाइक। ये कितने का है? ये 41,000 का बेड रखा है हमने। अच्छा, इसका जो प्राइस है 41,000 है विद टू साइड टेबल्स। ओके, ठीक है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइस पीच कलर का पीछे वॉलपेपर लगा लीजिए, क्योंकि जब वॉलपेपर आप लगाते हैं और इस तरह का एक वाइट स्ट्रिप जाती है इस तरह, तो आपके हेडबोर्ड को एक कटआउट मिल जाता है। मतलब आपका जो अगर पीच कलर का आपने पीछे वॉलपेपर लगा लिया है, तो इसमें जो ये वाइट कलर का आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ फ्रेम, ये आपके हेडबोर्ड को आपकी वॉल से थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देगा, थोड़ा सा सेपरेट कर देगा। हाँ, और ये अच्छा दिखाई देगा। चलिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी हमारा नेक्स्ट बेड है। अच्छा, अब मैं आपके एक्सप्रेशन रीड कर रहा था, आपका फेवरेट है? नहीं, ठीक है, बेड तो वैसे सारे मेरे फेवरेट है। क्योंकि आप खुद डिज़ाइन करते हैं? खुद ही डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर कुछ उसमें नहीं अच्छा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा उसको इनोवेट करते हैं, उसमें और कैसे एनहांस करें, वो ध्यान देते हैं, ध्यान देना पड़ता है। और काफी उसमें देखना पड़ता है कि यार ये चीज इसमें नहीं अच्छी लग रही, ये चीज चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इसी से रिलेटेड सवाल भी है कि जो डिजाइन आपके पास होते हैं वो तो हैं ही, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी खुद की अपनी फैक्ट्री हमने विजिट भी की थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अपने डिजाइन देते होंगे, तो फिर आप वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा, डिजाइन बहुत ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, हम कवर नहीं कर सकते। अब जैसे ये पीछे भी हमारे हेडबोर्ड लगे हुए हैं, इस तरीके के और भी बहुत सारे डिजाइन है जो आप ऑनलाइन देखेंगे या आप मार्केट में देखते हैं, वो सब डिजाइन भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। बट हम वीडियो के अंदर वो डिजाइन कवर करते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि थोड़े से डिफरेंट है और कस्टमर उसको देखे। ठीक है, ये डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, उस हिसाब से हम लोग उसको कवर करते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आप खुद होलसेलर्स भी हैं मैन्युफैक्चरर के अलावा, तो जो बाकी छोटे शहरों से आपको कॉल्स आती हैं जहाँ पे बल्क में सेल होती है, रिटेल में कम बल्क में, उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, इनको नए नए डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, है ना। जो शॉपकीपर्स हैं वो हर 3-6 महीने में नए डिजाइन मांगते हैं, और एक बार के अंदर 20-30 बेड्स तो परचेज करते हैं, बुकिंग होती है, तो हर बार नए डिजाइन बनाना उसमें टाइम लगता है और अलग अलग डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे इस बेड की, फिर आपको इसे क्विकली रैप अप लेंगे। इसका ये वाला बेड है, ये भी किंग साइज बेड है, वाइट कलर का पीछे स्वेड है, और ये थोड़ा सा आपने इसको लेफ्ट बैलेंस किया है ना? हाँ जी, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वो नहीं किया, प्लेन रखा हुआ बेड, इसमें हमने SS यूज़ नहीं किया कहीं पर भी, हमने गोल्डन पॉलिश यूज़ करी हुई है PU। अच्छा, हाँ जी, और वाइट PU पॉलिश है, और साथ में इसमें LED लैंप्स ऐड कर दिए। अच्छा, ये हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो हमने एक ही साइड टेबल लगाई है। ये दोनों तरफ से साइड टेबल लगते हैं, तो बहुत सुंदर बेड लगता है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये साइड टेबल का पार्ट है? हाँ जी। तो आपको ये उस तरफ भी देखने को मिलेगा। हाँ, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो साइड टेबल है ये अलग है, इस तरीके से है। अच्छा, ओके ओके ओके, तो आपको मिरर इमेज मिलेगी यहाँ से, ये जो आप यहाँ से कट करके सेम साइड वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या प्राइस रेंज में? ये थोड़ा सा प्राइस इसका हमने कम किया है, ये 35,000 का है। ठीक है, विद LED लैंप्स वगैरह आपको सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। ये सेफ रहते हैं LED लैंप्स? हाँ, सेफ है, जैसे आप वॉल्स के ऊपर जो लैंप यूज करते हैं, लाइटनिंग यूज करते हैं, वही लैंप्स हैं। ठीक है,
डन, सो वी आर डन फॉर द डे टू डे। आज हमने छोटा सा सोचा था छोटा वीडियो करेंगे, फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने बेड के बारे में हमसे शेयर की। ऑल दीज बेड्स आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी, GST एंड ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर सेपरेट। वी रिक्वेस्ट प्लीज कम हेयर एंड हैव अ फील, आप आएँ खुद से फील करें, देखें कि प्रोडक्ट कैसे हैं, है ना, तब आपको और मज़ा आएगा। और कुछ एक्चुअल में कस्टमर्स यहाँ आकर के बुक करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो सोफ़ा हो, डाइनिंग हो, बेड हो, उसमें फैब्रिक है, कलर्स है, उसकी फील है, कम्फर्ट है, वो साइजेज हैं, आप देखिए कि क्या है, क्या चीज़ आपको चाहिए थी, उसी उसके अकॉर्डिंगली बनी है या वैसा मेरे को चाहिए वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो कस्टमर आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऑन फोन आप कलर्स हमेशा वेरी करते हैं, कैमरे में कभी कलर सेम नहीं आते, तो वो सब चीज़ों का डिफरेंस रहता है। तो हम हमेशा कस्टमर्स को यही बोलते हैं कि आप स्टोर पे विजिट करके तो और एक अलग बात होगी, है ना। हाँ जी। लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि मतलब फ़ोन से बुकिंग किया हो और आपको कलर्स में वेरिएशन आ गया, कभी ऐसा नहीं? ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हम जनरली कस्टमर्स को यही बोलते हैं कि आप यहीं पर आके बुकिंग, आप चाहते हैं कि वो फील करें उसको, है ना। ठीक बात है, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं और हमारे बहुत सारी डिलीवरीज भी हुई हैं आप ही के अलावा और भी बहुत सारे स्टोर्स की। जनरली इस तरह का कंप्लेन बहुत रेयरली आता है कि कलर डिफरेंट निकला, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करके दिखाते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग में कलर एक्चुअल में थोड़ा सा सेम आ जाता है, हाँ हाँ, वो हम लोग कवर कर लेते हैं उसमें वीडियो कॉलिंग के थ्रू। ठीक है, डन, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, वील सी यू वेरी सून, हम फिर कुछ सोफाज देखेंगे आपके पास। थैंक यू।